देखो ये जो हमारे पास क्लीन डीएस डेटा साइंस जॉब डॉट सीएसपी एक हमारे पास क्या है फाइल है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डाउनलोड कर लिया, तो ये हमें बहुत सारे जो इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर मुझे वो करना पड़ेगा। आपके पास डाउनलोड हो तो भेज दो, नहीं तो फिर मुझे इस पर बनाना पड़ेगा अकाउंट अपना। अच्छा केगल पे आपका अकाउंट है? तो हाँ, हाँ शायद मैं देखती हूँ। हाँ तो आप भेज दो ना। नहीं तो फिर मैं बना लेता हूँ एक मिनट। नहीं नहीं मैं भेज रही हूँ, मैंने बनाया हुआ है, इस पे डाउनलोड हो रहा है। मैंने आपको व्हाट्सएप किया। एक मिनट जी, मैं भी बना ही लेता हूँ ना, अपन को बाद में काम आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी से अपन डेटा इंपोर्ट करवाएंगे ना तो ज़्यादा हेल्प रहेगी आपके लिए, तो मैं करवा ही लेता हूँ ना, बना लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो गया, अब डाउनलोड कर लेते हैं। देखो यहाँ हमारे कहाँ गया हमारा वो डेटा सेट सीएसई फाइल वाला। ए ठीक है, यस इसको मैंने डाउनलोड किया है वैसे। अब ऐसे ही क्रिया करो आप, मतलब डाउनलोड करके देखो, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास डाउनलोड होके स्टार्ट हो गया और ये यहाँ पर स्टोर्ड हो गया। ठीक है, मैं जाता हूँ इस वाले सेक्शन पे और ये जो आइकन दिख रहा है फोल्डर का, इस फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोकेशन मुझे वहाँ भेज देगा। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? तो मैंने बोला यूजर्स के अंदर डेल और डाउनलोड्स के अंदर ये सेक्शन है, वहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये फाइल पड़ी हुई है, तो हमने इसको राइट क्लिक किया और ओपन किया। ठीक है ना, ओपन करते हैं इसको। मुझे एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हियर। देखो ये हो गया मुस्कान। आपका गूगल वाला स्क्रीन दिख रहा है मुझे। हाँ ये दिख रहा है, ये जो है वो मैंने डाउनलोड किया था। ये डाउनलोड करने के बाद मैंने लोकेशन फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ये जो सीएसपी। दिख रहा है यहाँ से हमने डाउनलोड कराया था, यहाँ पर गए हम, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ से वो डाउनलोड वाले सेक्शन पे गया, ये फोल्डर हमें मिला, इस फोल्डर पे हमने इस आइकन पे क्लिक किया, फोल्डर वाले आइकन पे डबल डबल क्लिक करने के बाद इसने लोकेशन बता दी कि वो चीज़ कहाँ पर स्टोर्ड हुई है, डाउनलोड हुई है। राइट, तो हमें नेक्स्ट सेक्शन कहाँ मिल गया? नेक्स्ट सेक्शन उसने हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया। राइट, अब रिडायरेक्ट यहाँ पर करने के बाद ये हमारे पास विन रार फाइल थी, रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करके कर दिया, तो एक फाइल हमें इस वाली लोकेशन पे मिल गई। राइट, ठीक अब है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल सीट जो है ना, एक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। तो हमने इसको डबल क्लिक किया तो एमएस एक्सेल, देखो इतना सारा रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा डेटा सेट आपको मिल गया और इस डेटा सेट को हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। लाइक जॉब टाइटल कॉलम है, सैलरी एस्टिमेटेड कॉलम है। राइट, इसको मैं यहां से वो कर देता हूँ। राइट,
ये हमें क्या मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं ना? मतलब हमें क्या मिल गया, एक कॉलम मिल गया और एक टेबल फॉर्मेट में पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। अब मुझे जब सिक्वल के अंदर काम करना होता है ना इसी एक्सेल डेटा सेट का, तो फिर मुझे अपनी फाइल को इंपोर्ट कराना होता है। तो मुझे अपनी फाइल को इंपोर्ट कराना होता है, एक मिनट, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, आप देखो, आपको एक स्क्रीन विजुअल हो रही होगी जहां से मैं माय सिक्वल वर्कबेंच ओपन करता हूँ, माय सिक्वल वर्कबेंच ओपन करता हूँ, ठीक है? माय सिक्वल वर्कबेंच ओपन हो गया। यहां हम जाते हैं, हमारा पासवर्ड जो था उसको एंटर करते हैं, और हमारे पास जो फाइल थी उस फाइल को यहां पर इंपोर्ट कराते हैं, राइट? देखना कैसे इंपोर्ट कराता हूं, मतलब अब हम वो टेबल्स नहीं बना रहे हैं जो टेबल हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम, जिसके अंदर रोज थी और बहुत कम कॉलम थे, क्योंकि हम इनिशियली ये देख रहे थे कि डेटा पर काम हमें कैसे करना होता है, डेटा पर काम हमें कैसे करना होता है, ठीक है? हम स्कीमा वाले सेक्शन में जाएंगे, स्कीमा वाले सेक्शन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल कर देंगे, ठीक है? अब यहां पर मुस्कान हम कोई भी एक डेटा सेट सिलेक्ट कर ले सकते हैं, हम यहां पर कोई भी एक डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक नया डेटाबेस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला एएल डेटाबेस है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। अभी एक टेबल हमारी उस डेटाबेस के अंदर बनी हुई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम कस्टमर था। अगर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास वो कस्टमर नाम की टेबल मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास कॉलम, इतने कॉलम मिल जाएंगे, कौन कौन से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन, राइट? मैंने बोला इसी डेटाबेस के अंदर या तो मैं अपनी नई टेबल इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहता हूँ जो जो अभी हमने डेटा सेट डाउनलोड किया हुआ है। देखना कैसे काम करते हैं, हम जाएंगे इस टेबल वाले सेक्शन पे, हम जाएंगे इस टेबल वाले सेक्शन पे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखो टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, विजिबल? मैंने बोला यहां पर जैसे ही आप जाओगे टेबल वाले सेक्शन पे, राइट क्लिक करोगे, यहां पर आपको टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है? इसके बाद वो आपसे बोलेगा कि जो सीएसवी फाइल है उसकी लोकेशन कहाँ है। तो हमने बोला हम ब्राउज करना स्टार्ट करेंगे, यहां पर हमें पता है कि डाउनलोड वाले सेक्शन में ये जो था वो रखा हुआ था, इससे हम यहां से इंपोर्ट करवा लेते हैं, कोई डाउट? इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, सो हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और अब यहां पर समझना ध्यान से, यहां पर वो बोल रहा है या तो आप जो उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनी हुई थी कस्टमर उसको ही यूज कर सकते हो, या फिर आप एक नई टेबल भी बना सकते हो, राइट? तो हमने बोला हम नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो हमने बोल दिया ये हमारे पास क्या है, न्यू टेबल, कोई डाउट? न्यू नो टेबल यहां पर मैं ड्रॉप करके, अगर एग्जिस्ट है पहले से तो मैं ड्रॉप भी करवा सकता हूं। अब मैंने अपनी नई टेबल बना ली, यहां पर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, सो हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ओके हमने यहां से किया, यहां से यहां पर कॉलम क्यों नहीं आ रहा है, डिफाइन किया हमने यूएसबी फाइल, फील्ड सेपरेटर सही है, लाइन सेपरेटर ठीक है, इनक्लोज स्ट्रिंग इन ठीक है, नल एंड नल वर्ड एज इक्वल ठीक है, इनकोडिंग बाय डिफॉल्ट यूटीएफ ही रहती है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन कुड नॉट डिटरमाइन डेलिमीटर टेक द लॉग फॉर द मोड, नेक्स्ट करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा डेटा, फाइल नॉट लोडेड प्रॉपरली, प्लीज चेक द फील्ड फाइल एंड ट्राई अगेन, ओके हमारी फाइल ये भी प्रॉपरली लोड नहीं हुई है, एक काम करते हैं देखते हैं वापस जाके कि हमारी जो फाइल थी वो कहाँ है। अभी ये देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है ना मुस्कान, मतलब ये डेटा जो अभी है वो पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है, इस वजह से वहां पर एक एरर रखकर हुई है, समझ पा रहे हो? मतलब 2 मिनट का काम था, बस वहां पर इंपोर्ट हमें डेटा करवाना था और हम उसको फेच कर सकते थे।
ठीक है, एक काम करते हैं कोई और डेटा सेट ले लें बहुत छोटा सा, क्योंकि इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है। देखो नहीं, यहाँ पर आपको फिर एक्सेल को फोर्स क्विट करना पड़ेगा फिर ओपन करना। करूँ इसको, क्विट कर दूँ यहाँ से, क्लोज। ठीक है, अब वापस से जाऊं मैं कौन से सेक्शन पे, दिस पीसी, और यहाँ हमने डाउनलोड वाले सेक्शन पे गया, यहाँ पर हम इधर गए, राइट क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ से एक्सेल ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो गई है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा सेट है ना, अब इसी डेटा सेट को हमें अपने माई सिक्वल के अंदर इंपोर्ट कराना है। तो सारे स्टेप्स तो मैं बता ही दिए थे, बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने वापस से सिक्वल वाले पोर्शन में जाना है, और डेटा इंपोर्ट जो हमने यहाँ पे करा रहे थे, बैक जाके एक न्यू टेबल क्रिएट की, और इसके बाद नॉट डिटरमाइंड एलिमेंट, ये नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। While not loaded properly, ये ऑप्शन क्यों आ रहा है मुझ पर बार बार, फाइल तो बन गई है। फाइल तो हमारी है ना, इसको हमने इंपोर्ट भी करा लिया, प्रॉब्लम हमारी, एक मिनट दोबारा से करते हैं, इस वाले सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं, वापस जाते हैं इस वाली टेबल पर, राइट क्लिक करते हैं, टेबल डेटा इंपोर्ट, हमने उस फाइल की लोकेशन को सेट किया यहाँ से, उसके बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे, यहाँ पर मैंने बोला ठीक है, इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, तो इन्होंने ये दे दिया क्लीन डीएल जॉब, ठीक है वही रख देते हैं नाम। उसके बाद अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को नॉन डिटरमाइंड डेलिमीटर चेक द लॉग, वो बार बार बोला है कि लोड नहीं है फाइल, नहीं तो 2 मिनट में हो जाती, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं, बस यहाँ पर डेटा आ जाता। एक बटन पे क्लिक करते हैं, फाइल नॉट लोडेड प्रॉपरली प्लीज चेक द फाइल, कहाँ से करेंगे, एक काम करते हैं ना, उसका दूसरी दूसरा डेटा सेट उठा लें, मतलब तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक काम करते हैं दूसरा सेट उठा लेते हैं। बताओ कौन सा ले लें, उसका बताओ कौन सा डेटा सेट ले लें यार, स्क्रीन विजुअल हो रही है ना, हेलो यस स्क्रीन विजुअल हो रही, कौन सा डेटा सेट उठा लें यहाँ से, यस, कोई भी उठा सकते हैं, लाइक ये उठा जो लें, फ्लाइट ठीक है, है। और उसके बाद इसकी CSV फाइल तो बहुत बड़ी है, मैं सोच रहा हूँ छोटा सा कोई डेटाबेस आ जाए, ये देखो ठीक है, इसको उठा लेते हैं, डाउनलोड किया, यहाँ डेटा इस वाली लोकेशन पे गए, ट्रेन डॉट CSV करके राइट क्लिक किया हमने यहाँ पे, और इसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है बन गया, एक फाइल
आ गई, ठीक है ना, एक फाइल आ गई ट्रेन, इसको करा देते हैं वापस हम। तो SQL वाले पोर्शन में जाते हैं, टेबल वाले पोर्शन में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डेटा इधर जाते हैं, ब्राउज करते हैं, और ब्राउज करने के बाद ये जो ट्रेन था इसको हमने यहाँ से पिक कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। अभी आपको मेरा गूगल वाला पेज दिख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो हमारे पास डाउनलोड किया था ना हमने, ये वाला वहां से डेटा सेट ट्रेन डॉट सी एस बी करके, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कराया, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है ना एक्सेल फाइल में। और एक्सट्रैक्ट कराने के बाद हम वापस से अपने पोर्शन पे चलते हैं, तो हमने देखो MySQL वर्कबेंच दिख रहा होगा यहाँ से। राइट क्लिक किया टेबल वाले सेक्शन पे, डेटा हमने यहाँ से इंपोर्ट कराना है, सो हमने ट्रेन डॉट सी एस बी करके यहाँ से लोकेशन सेट कर दी थी ए, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, मैंने बोला उसका नाम, हम टेबल का नाम जो है वो ट्रेन ही रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया, अब आ गया, देखो अब आ गया, दिख रहा है मुस्कान। वो उसमें पता है वो प्रॉपर लोड नहीं हो पा रही थी, आपको बार बार एक एरर शो हो रहा था ना कि लोड नॉट प्रॉपरली, तो हमने डाउनलोड करते टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनकोडिंग होती है बाई डिफॉल्ट UTF-8, इसको आपको इतना ही रखना है। इसके बाद ये जो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम है ना, ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका साइज क्या हुआ है और आपने डेटा टाइप क्या लिया हुआ है। यहाँ पर देखो आईडी हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में थी, तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया इंट है, नेम सिलेक्ट कर लिया ये सब नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में, होस्ट आईडी नंबर में था इंट सिलेक्ट कर लिया उसने डायरेक्टली, होस्ट नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में था, नेबरहुड ग्रुप ये हमारे पास होस्ट फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट में था। नीचे आते हैं डबल डबल टेक्स्ट इंट, मतलब बाय डिफॉल्ट इसने आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग वहां पर डेटा टाइप सिलेक्ट कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है नेक्स्ट पर क्लिक। अगर आपको चेंज करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो मैन्युअली देख के, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो डिटेक्ट कर ही लेता है, तो हमें अननेसेसरी देखने की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। सिर्फ आपको तो अपना डेटा सेट यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। फिर हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया यहाँ से, और अब देखना दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, द फॉलोइंग टास्क विल नाउ बी परफॉर्म, प्लीज मॉनिटर द एग्जीक्यूशन, राइट। अब यहाँ पर आता है प्रिपेयर इंपोर्ट और यहाँ पर आता है इंपोर्ट डेटा फाइल। तो जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट होना ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले प्रिपेयर इंपोर्ट होगा, फिर इंपोर्ट डेटा फाइल होगा, और उसके बाद वो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम शो लॉग्स कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं, इस शो लॉग्स में कितना टाइम लगा है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमें टाइम वहां पर मेजर करके वो दे देगा, 291 रिकॉर्ड इम्पोर्टेड, 291 रिकॉर्ड इम्पोर्ट हो गए हैं। हमारे पास एक नई ट्रेन नाम की टेबल क्रिएट हो गई है AL नाम के डेटाबेस के अंदर, और उसकी लोकेशन, और उसने ये बता दिया है 3.380 सेकेंड लग रहे हैं, कोई डाउट। नहीं, मैंने यहां पर फिर क्या किया, फिनिश बटन पर क्लिक किया। अब मुझे देखना है कि यहां पर वो टेबल आई या नहीं, तो हमें स्कीमा में जाके रिफ्रेश ऑल करना है। जैसे आप रिफ्रेश ऑल करोगे, एक टेबल वाले सेक्शन में जाओगे आप, देखो ट्रेन नाम की टेबल विजिबल हो रही है, टेबल नाम की टेबल विजिबल हो रही है। यहां पर हम करते हैं राइट क्लिक, और मैं यहां पर कर देता हूं सिलेक्ट रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक, यहां पर आपको पूरा डेटा दिख रहा है, यस नो डाउट, नहीं, डेटा इंपोर्ट करना आ गया। किसी भी CSV फाइल या एक्सेल फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना होता है, परफॉर्म उसी पे करना होता है। तो हमारे पास ये जो नेम है वो आ गया है, होस्ट आईडी कॉलम नेम, इतने सारे कॉलम नेम आ गए, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा इंसर्टेड हो गया है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेरीज हमने बताई थी वो सब कुछ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर होस्ट आईडी का जो नेम है वो चेंज करना है, इस कॉलम नेम को चेंज करना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा मुस्कान,
होस्ट आईडी अल्टर ऑल्टर करना पड़ेगा, क्या क्वेरी चलाऊंगा मैं यार? इसमें एक ऑल्टर ऑल्टर कॉलम नेम होस्ट आईडी ऑल्टर ऑल्टर उसके बाद कॉलम है कॉलम नेम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम नहीं आएगा बेटा? ऑल्टर टेबल टेबल नेम ओके ऑल्टर टेबल नहीं पढ़ा था क्या आपने? हैं? करो उसको, क्यों नहीं कर रहे हो? अब आपकी इच्छा ये थी कि याद सर नहीं मुझे रहे एक बड़े डेटाबेस पर काम करना है, सर मुझे एक बड़ी टेबल चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हैं। आ गया लो टेबल, इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट करना आ गया। अब इस पर परफॉर्म करो डिफरेंट डिफरेंट टास्क। तो हमने बोला कि मुझे यहाँ पर टेबल के अंदर जो एक कॉलम है वो आईडी, उसको हमें चेंज करना है, उसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम ऑल्टर टेबल, टेबल ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर ऑल्टर से, टेबल ऑल्टर से हमारा क्या हो जाता है? एक नया कॉलम ऐड हो जाता है, राइट? और रीनेम करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? ऑल्टर, इसके बाद मैंने लिखा यहां पर टेबल, इसके बाद मैंने लिखा यहां पर टेबल नेम। सो रीनेम हमारे ओके पास टेबल नेम क्या थी? ट्रेन थी शायद, राइट? ट्रेन, यस मैंने बोला रीनेम कराना है, रीनेम कराओ, रीनेम। इसके बाद क्या करना है, कौन से कॉलम को? रीनेम कॉलम को लिखो यहाँ पे। इसके बाद ओल्ड नेम जो हमारे पास है, तो मैंने बोला होस्ट आईडी, होस्ट आईडी हमारे पास ओल्ड था। इसके बाद टू, रीनेम के बाद टू भी आएगा रीनेम टू रीनेम के बाद, रीनेम के बाद टू नहीं आएगा, रीनेम के बाद कॉलम आएगा, उसके बाद वो कॉलम जो ओल्ड है उसके बाद आएगा नया कॉलम नेम। तो होस्ट आईडी के बाद नया कॉलम नेम आप क्या देना चाहते हो? एच एस आई डी अंडरस्कोर आई डी। हमने यहां पर सेमी कॉलम किया और अब हमें क्या करना है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो हमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना पड़ेगा वहां पर कर्सर रख के। तो हमने यहां पर कंट्रोल एंटर प्रेस किया, ऑल्टर टेबल रीनेम, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। सो हमें अभी डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमने एक दोबारा से कमांड चलानी पड़ेगी, यूज ए एल सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर मुझे क्रिएटिव वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा और उसको भी यहां पर यूज हमने बोल दिया। अब जाते हैं इस वाले सेक्शन पे, कंट्रोल एंटर, देखो चल गया, नीचे देखो ऑल्टर कमांड चल गई। यस कर पा रहे हो जैसे मैं काम कर रहा हूं? आपको काम करना आ रहा है ना? कर लोगे ऐसे? मैंने बोला यहां से अब हमारा सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूं और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूं। तो क्या एच एस आई डी आ गया? देखो होस्ट आई डी से हमारा नाम कॉलम का चेंज हो गया है, एच एस आई डी से हमारे कॉलम का नेम चेंज हो गया है। लेकिन ये हम तब तक नहीं सीख पाते, इतने बड़े डेटा सेट पर काम हम तब तक नहीं कर पाते जब तक हमारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते। जैसे अब एक काम करो, सारे कॉलम जितने भी थे उनका नाम चेंज करके बताओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम इतने बड़े कॉलम्स को बहुत छोटा छोटा भी कर देंगे, राइट? तो फास्ट क्या लिखेंगे अब? ऑल्टर नेक्स्ट जो हमारे टेबल पास है, टेबल होस्ट नेम नेम को हम चेंज करना चाहते हैं, होस्ट नेम को हम चेंज करना चाहते हैं। सो ऑल्टर सबको एक साथ टेबल, तो कर सकते कॉमा लगा लगा के टू करके अच्छा नहीं, ओके वहां पर ऑल्टर प्रॉब्लम नहीं आ टेबल जाती है? मैंने टेबल आपको बताया था प्रॉब्लम आ जाती है पिछली प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बता रखा था। क्या ट्रेन लिखेंगे? ऑल्टर टेबल टेबल नेम यस, ऑल्टर ट्रेन टेबल, टेबल नेम है ट्रेन, रीनेम कॉलम होस्ट नेम रीनेम कॉलम, दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? हाँ, एक मिनट मैं इसको स्टार्ट होस्ट कर दूं, एक मिनट। मेरे जो टच पैड है उसमें प्रॉब्लम है। एक काम करना, आप इसको डबल क्लिक करके टच पैड पे और दो फिंगर से ना उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करना, वो साइज जो है ना वो बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना? कहाँ पर
मैंने बोला टच पैड जो होता है ना, उस पर ऐसे डबल हाँ क्लिक करना और उसको फ्रैक्शन करना, तो ये जो साइज दिख रहा है ना मेरा, ये जो टेक्स्ट का साइज, वो बढ़ जाता है। मेरे में तो ठीक है। प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने यूज कराई दिया, सॉरी, ऑल्ट टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम नेम। यहाँ पर हम होस्ट नेम को चेंज करना चाहते, तो हमने यहाँ पर जो होस्ट नेम था वो होस्ट लिखा नेम 2HHS। टू एच एस नेम, लिख दें क्या एच एस नेम, सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस करें क्या, कर यस दिया, एग्जीक्यूट हो गई, सिलेक्ट करें क्या, आ गया एच एस नेम चेंज हो गया। नेबरहुड ग्रुप को भी चेंज करना चाहते हैं, सो हमने बोला एन ग्रुप कर दो इसको फास्ट। अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, ट्रेन, ऑल्टर टेबल रीनेम, ट्रेन, रीनेम कॉलम, रीनेम नेबरहुड, कॉलम, नेबरहुड ग्रुप। यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला मैंने, टू टू एन ग्रुप लिख दें क्या, ठीक ओके है, सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस करो, एग्जीक्यूट हो गई, सिलेक्ट करा दो, सिलेक्ट करा लिए, हो गया एन ग्रुप आ गया। नेबरहुड को कर दो एन एच, ठीक है, तो हमने यहां पर ऑल्टर टेबल ट्रेन, रीनेम कॉलम, हमारे पास क्या है, ए नेबरहुड, इसको यहां से सिलेक्ट करो, यहां पर पेस्ट कर दो, इसके बाद बोलो टू, इसके बाद क्या ले लें यहां पर नेबरहुड को, एनएच लिख दूं क्या मैं, ओके सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, एग्जीक्यूट हो गया क्या, सिलेक्ट करा लो यहाँ से, कर्सर ले जाते हैं, कंट्रोल एंटर, एनएच हो गया। ठीक है, लेटिट्यूड को, और तो लेटिट्यूड ठीक है, लॉन्गिट्यूड ठीक है, रूम टाइप भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, मिनिमम नाइट्स भी ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज भी ठीक है, और कुछ चेंज करना नहीं करना है। मुझे देखना है कि कितने काउंट करना है, मुझे काउंट करना है कि इसके अंदर जो कितने रिकॉर्ड्स है एच ऐसा। एस आई डी के अंदर मुझे काउंट करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या चलाना पड़ेगा, मुझे काउंट फंक्शन चलाना पड़ेगा। काउंट बेटा इसको पढ़ो आप, काउंट कैसे काउंट के चलाएंगे अंदर काउंट। नंबर के अंदर उसके ब्रैकेट्स के अंदर आता था। अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, मतलब मेरे हिसाब से इस पे आपको ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं, राइट। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, सेलेक्ट, अब आपको पता तो है ये सब चीजें, लेकिन अब हम उन पे काम करना सीख रहे हैं, एक लार्ज डेटाबेस पे काउंट काम करना सीख रहे हैं। तो मैंने बोला सिलेक्ट सेलेक्ट, इसके काउंट बाद कॉलम काउंट, नेम फ्रॉम टेबल नेम काउंट फंक्शन हमने लगाया, और इसके बाद इसके अंदर एज और अ कॉलम नेम कॉलम डालना कॉलम पड़ता है। तो हमने कॉलम नेम क्या डाल दिया बेटा, होस्ट आईडी एच एस आई डी, HSID। हाँ वही HSID हाँ। इसके देन बाद फ्रॉम मैंने टेबल बोला नेम फ्रॉम, टेबल नेम क्या था, रेन। ट्रेन इसके बाद वेयर लगा सकते हैं या फिर सेमी कॉलन लगा दें, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, आ गया 291, आ गया 291, यस और नो। या इसके बाद मैंने आपको बताया था सम निकाल सकते हैं इन सब का, जितनी भी एच एस आई डी है, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, इसके बाद काउंट फंक्शन पे काम करना है क्या, सम सम फंक्शन पे काम, सम लिखा, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर लिखा, इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर हमें उस कॉलम नेम को डालना है, तो हमने एच एस अंडर स्कोर आई डी किया, कहाँ से, फ्रॉम किया, और ट्रेन से ट्रेन हमने यहाँ पे किया, सेमी कॉलन लगाए, कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे क्या, हाँ। क्या इतना सम कैलकुलेटेड करके आ गया, क्या सम कैलकुलेटेड करके आ गया, हम यस एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एवरेज एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिलेक्ट, सम के जगह एवरेज लिख देने का। यहाँ पर ए बी जे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे,
एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एच एस अंडर स्कोर आई डी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमने बोला फ्रॉम टेबल नेम कर देंगे ट्रेन, ब्रैकेट ओपन कंट्रोल, आ गया एवरेज, मैंने मिनिमम और बोला मैक्सिमम भी कर सकते हैं, सिलेक्ट हाँ करो, बोलो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे चलाएंगे मिनिमम MIN, है? सिलेक्ट मिनिमम तो MIN उसका, हाँ तो हमने यहां पर क्या चलाया, सिलेक्ट मिनिमम और एक मिनट, सिलेक्ट सिलेक्ट इसके बाद मिन, कॉलम नेम डाल दो इसके अंदर, मैंने बोला ठीक है एच एस आई डी क्लोज, इसके बाद फ्रॉम, ठीक है इसके बाद ट्रेन टेबल नेम थ्री सेमी कोलन कंट्रोल एंटर, आ गया मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको हटा दो, मैक्सिमम भी निकाल नहीं सकते हैं, हाँ कैसे, सेलेक्ट इसके बाद मैक्स मैक्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे उस कॉलम का नेम जिसका हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फ्रॉम कहाँ से टेबल नेम हमने डाल दिया ट्रेन, सेमी कॉलन कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे, तो इतना आ गया, तो इतना आ गया, कोई डाउट नो मुझे नहीं लगता है कोई कोई डाउट आ रहा होगा। अब देखो यहां पर हमने बोला ये हमारे पास क्या था, मिनिमम मिनिमम ठीक है, एस आई डी ठीक है, ठीक है और क्या करा सकते हैं मुस्कान, और क्या करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें तो मैंने पढ़ाई थी आपको, मैं किसी एक कॉलम का रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ, सेलेक्ट लगा के मुझे स्टार नहीं लगाना है और कॉलम नहीं चाहिए, सेलेक्ट कॉलम का नेम लिखना है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, कॉलम नेम, तो हमने अब क्या ऐसे बोला होस्ट नेम कर देते हैं अपन, HS नेम। एच एस नेम था ना अंडर स्कोर ऐसा था, ठीक है ना, फिर हमने बोला फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है ट्रेन, सेमी कॉलन कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे, आ गया वो, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मैंने बोला कि वो डेटा चाहिए जहां पर नाम जॉन है, वो डेटा चाहिए जहां पर नाम जॉन है, क्या करेंगे, वो डेटा सेलेक्ट ला कर कॉल दो, फ्रॉम वेयर, क्या लिखूं, सिलेक्ट सिलेक्ट सेलेक्ट कॉलम नेम, स्टार लिखो ना, एड्रेस नेम, सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम टेबल वेयर वेयर HS नेम इक्वल टू एच एस नेम इक्वल्स टू जो भी जॉन, लिखना है, जो जो कंट्रोल एंटर, आ गया क्या, यस और नो, यस ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अपडेट कराना, अब एक काम करना मुस्कान, मैं मेरी जो क्या है डिमांड, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जितनी भी क्वेरीज है वो आप इंपोर्ट करके डेटा पे खुद से चला के बताओ पहले, मतलब करके देख लेना इसको आज, ठीक मतलब मैं क्या, मतलब मुझे तो कराने के लिए 2 मिनट लगेगी, मैं सारे आपको करा दूंगा जितने फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ, जितनी क्वेरीज में पढ़ा चुका हूँ, बट वो उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ना हो रही है, इंग्लिश वाले डेटा उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ना हो रही है, सेट पे, यही वाले डेटा सेट पे, ठीक हाँ ये वाला डेटा सेट है जो मैंने आपको बताया ना, है इस डेटा सेट को पहले डाउनलोड करना, जो मैंने प्रोसीजर बताया है इम्पोर्ट करने का, एक्सेल के अंदर MySQL के अंदर एक्सेल फाइल को इम्पोर्ट करना, उस पर सारे ऑपरेशन अप्लाई करना, और आपका काम हो जाएगा कि आपको लास्ट डेटाबेस पे काम करना, डेटा सेट पे काम करना आ जाएगा, अभी हमें बहुत कुछ और पढ़ना है, ठीक है ना, तो पर फिर वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले इस पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लो पहले, ओके okay. क्योंकि आपको ये पता नहीं था ना कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं, तो इम्पोर्ट करना आ गया, किसी टेबल को इम्पोर्ट कैसे करते हैं सिक्वल के अंदर, एक बार मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप मेरा वो वाला असाइनमेंट देखोगे, उसमें क्या करना है, कौन सा असाइनमेंट, मैंने आपको भेजा भी था शायद बहुत पहले, पर आपने रिवर्ट नहीं करा, उस पर मैंने फार्मास्यूटिकल वाला भेजा था, कौन सा असाइनमेंट, वो मतलब उस पर हमें काम करना था ऐसा, हाँ उसमें क्या करना है दिखाओ
मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं वापस बता। हाँ मैं व्हाट्सएप पर चेक कर लेता हूँ। नहीं वो तो सब चीजें हो जाएंगी ना मुस्कान, पहले हमें पहले आ रहा तो चाहिए, क्वेरी तो हमें याद नहीं है, हम डेटा सेट पे काम तो कर नहीं पा रहे हैं, असाइनमेंट करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। नहीं, मेरे को पूछना था उसको कैसे करना है, मतलब ये जो फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट भेजा था, वो फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट भेजा था। नहीं, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन में, इधर ही बता देती हूँ। और मेरी इनेबल में अभी इनेबल नहीं आ रही। हाँ आ जाएगी। मतलब इसमें मेरे को गाइड कर दो तो फिर मेरे को पता चल जाएगा रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्योंकि इस संडे को सबमिशन है। तो सबमिशन की वजह से ना तुम अपना नहीं पढ़ पा, तो हाँ सबमिशन बहुत हाँ क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते सबमिशन होते, तो उस हिसाब से मैं स्क्रीन शेयर। अभी मेरी स्क्रीन है ना, हाँ, विजुअल हो रही है। यहाँ पर यूएस में बस यही प्रॉब्लम रहता है, लाइक पार्ट टाइम जॉब अलोंग विद दैट अप्लाई करने का और अलोंग विद दैट असाइनमेंट करने का, तो इसमें पर्सनल स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा। नहीं तो पर्सनल स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारा हाँ कोर्स तो आगे करनी बढ़ता पड़ेगी। जाएगा। मतलब हाँ अगर याद इसमें नहीं है तो सेकंड आप क्या, वाला, मतलब आप सोचो ना, अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं तो इंटरव्यू क्या दोगे आप? असाइनमेंट सिर्फ सबमिशन करके थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल नर्सिंग, एक मिनट ऊपर पढ़ने दो मेरे को, थोड़ा ऊपर करो उसको। अच्छा एक काम करो, मैं कंट्रोल ले लूं। हाँ हाँ एक्सेप्ट कर लेना, मैंने आपको भेजा है तो यस यहाँ पे वर्ड में फाइल है ना एक। नहीं, ये वर्ड में नहीं है, ये जो टेबल है ना वो दोनों सीएसवी है। हाँ हाँ, अरे इसको रोलर नहीं मिल रहा था मेरे को। ठीक है, असाइनमेंट टू हॉस्पिटल नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, सिलेबस मॉड्यूल असाइनमेंट हॉस्पिटल नर्सिंग, तो देन पहले को देखना है वो थिंक लो पूरा करने वाला जो टास्क गेट कमिंग फॉर इंफॉर्मेशन ने रीड दिस सिस्टम जो दैट फॉलो डाउनलोड इज इन डॉक फॉर्मेट हियर फॉर ऑफलाइन यूएसपी असाइनमेंट डिस्टेंस। ठीक है, यूज द फॉलोइंग डेटा फाइल टू डायमेंशन टेबल। देखो अब जो हमारे पास सीएसवी फाइल, इनको तो आप इंपोर्ट करवाना सीख ही गए है ना सीक्वल के अंदर। डेटा क्लीनिंग की जरूरत नहीं होगी क्या? अभी डेटा क्लीनिंग तो अपन करेंगे ना, तो वो पाइथन से करना पड़ेगा। फिर डेटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग पाइथन कहाँ करा, बीच में छोड़ दिया था हमने। आइडेंटिफाई द डायमेंशन फ्रॉम ईच डायमेंशन टेबल माय सीक्वल, स्केच आउट अ स्टार स्कीमा यूजिंग माय इनपुट फॉर द टेबल्स ऑफ ट्रस्ट एंड द एप्रोप्रिएट जॉइंस बिटवीन टेबल। अब ये ज्वाइन वाला सेक्शन है, तो ये ज्वाइन वाला अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इस पर मैं आपको क्या बता दूं, आप क्या पढ़ लोगे? और नीचे करो एनालिसिस फॉर लीडरशिप, आइडेंटिफाई व्हिच हॉस्पिटल हैव इंटर्नशिप कैंडिडेट। ठीक है, असाइनमेंट हंड्रेड पॉइंट्स का होता है। सबमिट हाँ वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, वन एसक्यूएल प्रोग्राम। ठीक है, ठीक एक काम करना है मुस्कान, मैं आपको जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, एक काम करना है, जो हमारे पास सीएसवी फाइल है ना इनकी,
ये जो CSV फाइल है, इन CSV फाइल को एक बार तो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करोगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर एक्सेल पे आप देखना कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं, और उन कॉलम के हिसाब से आपको सिक्वल तो बना ही लोगे आप, बाकी अगर इसके अंदर जो दिख रहा होगा ना कि और अदर चीजें हैं तो वो उनको छोड़ देना, बस सिक्वल वाला प्रोग्राम बना के तो सबमिट कर ही दोगे। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है विश हॉस्पिटल है इंटेंसिव केयर यूनिट इतना इतना बेड और इतना सर्जिकल यूनिट, हिट द समरी रिपोर्ट दैट शो द फॉलोइंग, यहाँ पर समरी रिपोर्ट बनाना है, समरी टेबल बनाना है, सिक्वल का जितना काम है वो आप कर लेना, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। बेस्ड ऑन योर रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 4A डिस्कस योर इनसाइट फ्रॉम द डेटा समरी दैट यू वांट टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर फॉर योर टॉप वन टू आउट। एक ये हटा क्यों दिया? फाइनल रिकमेंडेशन, अरे कुछ नहीं है, रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है इसको, अरे आप मत करो। कुछ नहीं है, एक काम करना मुस्कान, इस एक काम करो अभी फाइल इसको वो कर लो, डाउनलोड कर लो, और एक्सेल में अपन देखें क्या डेटा है, फिर अपन देख लेते हैं उसको। अननेसेसरी वो लिख देते हैं बड़ा बड़ा पॉइंट्स बना बना के, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। पहले आप डेटा वहां से डाउनलोड करो जिससे हमें पता चल जाए कि आखिरकार वो एक्सेल में शीट में कॉलम्स क्या क्या आ रहे हैं। हाँ, और बेड वाला भी तो तीनों तीन टेबल बनानी पड़े, दो दो डायमेंशनल टेबल है जिनके बीच में सारा रिलेशन होगा बिजनेस और बेड टाइप में, और उससे बेड फैक्टर में जो नीचे आपके पास रिक्वायरमेंट उन्होंने दे रखी है नीचे बेड टाइप में, उसके हिसाब से डेटा को विजुलाइज करना है और सिक्वल के अंदर क्वेरी चलाना है, ऐसा है वो। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओ जल्दी से, फास्ट नीचे जाओ पहले बिजनेस डॉट सी एस वी फाइल में। हाँ, इस फाइल आइकन को क्लिक करो, इसको एक्सट्रैक्ट करो नीचे जाके राइट क्लिक करके। हाँ, इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं है। एक्सट्रैक्ट नहीं है ना, ओपन करो, ओपन करो, ठीक है। एक्सेल में ओपन हो गया क्या? ठीक है, इसको लार्ज करो जरा, एक्सेल की साइड, एक्सेल शीट को लार्ज नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो हमारा विंडो है उसको लार्ज करो, एक्सेल की विंडो को, ठीक है। इसके अंदर कितने कॉलम देख रहे हैं एक मुस्कान? पांच, दो तीन चार छह। अब इसको क्या करना है, जो आपके चार पाँच रिक्वायर, छः हाँ अब एक काम करो, इसी को इंपोर्ट करवा लो कहाँ पर, MS Excel, वो MySQL वर्कबेंच के अंदर, ओपन करो उसको। अब एक काम करो, एक नई फाइल बना लो, एक नया डेटा बना, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाओ। हाँ, यहाँ पर एक बनाओ, क्रिएट डेटाबेस लिखो, क्रिएट डेटाबेस असाइनमेंट, क्रिएट डेटाबेस असाइनमेंट सेमी कॉलन, एंटर प्रेस करो, यूज असाइनमेंट, यूज असाइनमेंट सेमी कॉलन, ठीक है। इसको भी एंटर करके स्कीमा वाले सेक्शन में जाओ, सेशन वाले सेक्शन में राइट क्लिक, सॉरी स्कीमा वाले सेक्शन में जाओ, ऊपर दिख रहा है जो स्कीमा, हाँ राइट क्लिक करो नीचे आके, हाँ राइट क्लिक करो, रिफ्रेश ऑल कर दो। यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिख रहा है, टेबल नहीं दिख रही है कोई, टेबल वाले सेक्शन में जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पर नीचे देखो डेटा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, हाँ इसको ओपन करो, इसमें ब्राउज करो वो फाइल जो हमारे पास थी डाउनलोड सेक्शन में, हाँ ओपन कर दो इसको, यहाँ से नेक्स्ट कर दो। इसके बाद हमने बोला बिजनेस ही है वो फाइल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, जैसा जो बना है वो बना रहे।
इसके बाद नेक्स्ट कर दो क्योंकि ऑटोमेटिकली आ गया है, नेक्स्ट कर दो, इंपोर्ट करवा दो। इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा, जस्ट अ मिनट वेट कर लो। हो गया, फिनिश कर दो, नेक्स्ट कर दो, फिनिश। वहां पर जाएंगे फिर से दोबारा से रिफ्रेश ऑल कर देंगे। असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, टेबल वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर देंगे। हाँ, बिजनेस आ गया, इसको एक्सप्लोर करो, बिजनेस वाले सेक्शन को। हाँ, कॉलम को एक्सप्लोर करो, वापस टेबल वाले सेक्शन में जाएंगे। हाँ, राइट क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पर नहीं, एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, टेबल नीचे कॉलम वाले सेक्शन जाओ, टेबल को एक्सप्लोर करो, टेबल को एक्सप्लोर करो, टेबल को। हाँ, बिजनेस राइट क्लिक करो, यहाँ पर सिलेक्ट रोज पे करो क्लिक, ऊपर ऊपर सिलेक्ट रोज आ गया, आ गया ना। अब एक काम करो, सारी टेबल जो है ना वो इसी असाइनमेंट के अंदर डाल दो, फिर जाओ असाइनमेंट वाले सेक्शन पे, टेबल वाले सेक्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेटा इंपोर्ट विजार्ड ब्राउज करो, ये बिजनेस वाला हो गया था, नेक्स्ट हमारे पास था वेट टाइप, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, फिनिश, ये आ गया। इसको भी एक बार क्या कर लो, टेबल वाले सेक्शन में रिफ्रेश ऑल कर लो पहले। हाँ, बिजनेस भी आ गया, वेट टाइप भी आ गया, एक और कर लो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, समझ पा रहे हो? मतलब हाँ कुछ नहीं इम्पोर्ट करना है हाँ आपको, कुछ नहीं करना है। अब आपके पास डेटा सेट है, MySQL है, क्वेरीज आपके पास है, जो जो उसमें बोला गया है वो करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करके SQL का प्रोग्राम बना के सबमिट करते हैं। मेन तो यही था ना असाइनमेंट में, कि पहले से इक्वल फाइल अपलोड करना है, इनपुट कराना है डेटा सेट को, डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाना है, उसी हमने डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल, फिर उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइंस बोल रहा है वो। यू विल नोटिस देयर आर डिफरेंट अब नो डेट प्राइमरी की क्वालिफाइज द डायमेंशन फॉर द डायमेंशन टेबल, पे अटेंशन टू द डिफरेंसेस बिटवीन अ फैक्ट एंड अ डायमेंशनल वेरिएबल्स एज वी डिस्कस्ड इन द क्लास, जो भी आपको बताया गया होगा वहां पर, बस अब कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। हाँ, अभी तो इतना पढ़ा ही नहीं है, मेरे को देखना वही पड़ेगा। तो, मैं पढ़ूंगा तो उसमें और टाइम लग जाएगा ना, तो एक बार आप खुद से पढ़ के सारी चीजें करके, मतलब मैंने जो मेन था मेरे हिसाब से जो करना था ना वो मैंने आपको करवा दिया, मतलब मेरा काम सिक्वल का है, मेरा काम क्वेरीज का है, मेरा काम है अंडरस्टैंडिंग करवाने का आपको कि फाइल कैसे कनेक्ट हो जाती है, वो मैंने आपको करवा दिया। अब रहा ये जो आपका असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ये रिक्वायरमेंट है और क्या क्या उन्होंने इतना ज्यादा लिख के दिया, उसको आप खुद से रीड आउट करके और फिर कर लेना वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है ना। तो एक बार वो जो चीजें बताई हैं उनको करो, सारी क्वेरीज करो, आपको जो भी पूछा जा रहा है वो तुरंत आना चाहिए, आपको देखने की जरूरत ना पड़े, तब जाके आप कुछ अच्छा कर लोगे, ठीक है। ओके ओके मुस्कान, आज के ओके सेशन में कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, सब कुछ नहीं बहुत अच्छे से आ गया। ओके ठीक है मुस्कान, है ना, बाय बाय। ओके बाय बाय।